बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम केमिस्ट्री में उन टॉपिक्स को ही ले रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। एन फैक्टर भी उस टाइप का टॉपिक है। अब एन फैक्टर को भी हम दो चार पांच स्टेप्स में सीखने की कोशिश करते हैं। एक होगा कि एसिड्स का क्या होगा एन फैक्टर। जो एसिड्स होते हैं, पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स एसिड्स का एन फैक्टर वो होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो एसिड में एच प्लस आयन होते हैं कितने रिप्लेस हुए, कितने हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने एक्चुअल में रिप्लेस हुए दैट इज इम्पॉर्टेंट, उससे उसका एन फैक्टर आता है। जैसे HCl है, HCl में अगर रिप्लेस होगा तो एक ही एच आयन है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर वन होगा। बट जैसे H2SO4 है, इसको आप NaOH से आपने अगर रिएक्शन कराई और अगर ये बना NaHSO4 प्लस H2O, ये बना। इसमें देखिए यहाँ पे दो H प्लस आयन थे, उसमें एक ही रिप्लेस हुआ है, Na आ गया, बाकी एक H यहाँ पे है। इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर अगर एन एफ लिखे तो इस केस में एन फैक्टर वन हो जाएगा H2SO4 होता। बट कोई रिएक्शन H2SO4 की ऐसी भी हो सकती है जहां पे H2 दोनों एच आयन रह जाए, वहां पे फिर H2SO4 का एन फैक्टर टू लिखेंगे। जैसे इसी H2SO4 अगर ये 2NaOH से रिएक्शन करेंगे, ये क्या बनता है, Na2SO4। H2 अगर बैलेंस इसको कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों एच प्लस आयन जो है रिप्लेस हो गए, इस केस में एन फैक्टर क्या हुआ, एन फैक्टर इज टू। H2SO4 का यहां पे एन फैक्टर वन है, यहां पे टू है। तो कितने हैं एच प्लस आयन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने एक्चुअल में रिप्लेस हुए हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, उस हिसाब से एसिड का एन फैक्टर निकाला जाता है। अब इसी तरह से H2CO3, इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है, दो है तो इसमें वन भी हो सकता है रिएक्शन के अनुसार, आर जो है टू भी हो सकता है। एंड एक इसका H3PO4, ये इंपॉर्टेंट है जहां पे फास्फोरस एटम होता है, जैसे ये है या H3PO3 होता है, इसमें फास्फोरस है, तो इसमें जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है, अगर H3PO3 का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है कि एक पी के साथ एक तो ऐसा लग जाता है, फिर एक एच ऐसा लगेगा, तो बचेंगे दो और फिर ये ओ एच और ये ओ एच, इस तरह से आयन होते हैं। अब इसमें ये ही एच आयन निकल सकते हैं, ये वाले जो एच आयन इनके इनके बीच में ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की इतनी डिफरेंट होती है कि एच आयन यहां से निकल सकता है, एच आयन यहां से निकल सकता है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है, इसका एन फैक्टर मैक्सिमम टू हो सकता है, दो ही इससे निकल सकते हैं, या किसी में कम निकले तो एक हो सकता है, पर मैक्सिमम इज टू। तो इसी तरह यहां पे इसका निकालोगे H3PO4 का, इसमें एक पी के साथ ये ऑक्सीजन बना ही लगा ही होगा, बाकी इसमें OH इस तरह से हो गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें तीन एच प्लस आयन हो सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम एन फैक्टर इसका थ्री हो सकता है, पर किसी में दो भी हो सकता है, किसी में एक हो सकता है, डिपेंड्स कि कितने एच प्लस आयन एक्चुअल में रिप्लेस किए गए हैं। तो H3PO4 में 1, 2, 3 एन फैक्टर हो सकता है, H3PO3 में मैक्सिमम टू हो सकता है या उससे कम एक वन हो सकता है, बिकॉज इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली पी से अटैच होता है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली पी से अटैच है, तो फॉस्फोरस वाला एक्सेप्शन जो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक एसिड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, H3BO3, इसका एन फैक्टर क्या होगा,
अब इसमें देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर ये इम्पोर्टेंट है, आप अलग से नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का एसिड है। इसमें एन OH इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि H जो इसमें ये H है, हाइड्रोजन एटम है, जो ये आयन बन के ब्रेक नहीं होते हैं। रीजन क्या है, इसमें जो बोरान है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होता है। इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2, 2, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। इसमें जब आप किसी जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में लेते हो H2O के साथ, ये क्या करता है कि इसमें जो H प्लस आयन आता है बेसिकली वो H2O से आता है, H प्लस आयन यहाँ से नहीं आता है। दिस इज द एसिड वेयर H प्लस आयन आपको H2O से मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। तो इसमें करता क्या है, ये बोरान की ऑलरेडी जो ये OH और ये OH एक इधर हो गया, एक OH इधर हो गया, एक जो ये H2O है ये ब्रेक होता है OH माइनस में प्लस H प्लस में। जो OH माइनस है ये यहाँ पे आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन है ये वाटर से आ रहा है। यहाँ पे इवन दो 3 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको एक एच प्लस आयन ही मिलेगा। इसका एन फैक्टर 1 ही हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। H3BO3 आप लिख सकते हैं अलग से, किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। हाँ, तो बेसिस का एन फैक्टर क्या होगा कि इसमें कितने OH आयन रिप्लेस होते हैं, कितने OH आयन रिप्लेस होते हैं, वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। तो OH आयन क्या बेसिकली हो गया, एसिडिटी। एसिड में कितने H प्लस आयन है उसको बेसिसिटी बोलते हैं, और बेसिस में कितने OH माइनस आयन होते हैं उनको एसिडिटी बोलते हैं। तो कितनी एसिडिटी है उससे पता चलता है कि बेसिस में का एन फैक्टर क्या होगा। बट वही है कि कितने रिप्लेस होंगे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में उतना ही होगा। जैसे NaOH है, उसका एन फैक्टर आप लिखो तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि इसमें 2, 1 है तो एक ही रिप्लेस हो सकता है। इसी तरह जिंक OH2, इसमें 1 फैक्टर क्या हो सकता है, दोनों रिप्लेस हो गए 2 हो जाएगा, नहीं तो 1 हो सकता है। इसी तरह से आप अल्मोनियम ऑक्साइड इसको करोगे तो इसका एन फैक्टर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन कि कितने OH माइनस आयन रिप्लेस हुए। बेसिस का बड़ा सिंपल है। एसिड में आपने देखा कहीं पे स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि H प्लस आयन नहीं निकल रहा होता, आप वो दिखते हैं H पता है हाइड्रोजन एटम काफी सारे दिख रहे हैं पर आयन उसमें कमी बन सकते हैं, पर बेसिस में मोस्टली जहां पे भी OH है वो सारे के सारे रिप्लेसेबल होते हैं, उससे एन फैक्टर निकल आता है। एसिड का देख लिया, बेस का देख लिया, अब साल्ट के बारे में जानेंगे कि साल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। साल्ट में किसी रिएक्शन में अगर साल्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका कैसे निकालेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मींस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तब कैसे निकालेंगे, दोनों को अलग अलग स्टेप में देखते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है तो साल्ट के कितने एन आयन या कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कितने रिप्लेस हुए उस इक्वेशन में, वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Na3PO4 प्लस BaCl2, इसको अगर आप रिएक्शन करते हो और रिएक्शन बनती है NaCl प्लस PO42। अब इसमें कितने रिप्लेस हुए, यहां पे देखिए ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, एक सोडियम एटम पे प्लस चार्ज होता तो 3 हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया।
एंड ये सारे के सारे रिप्लेस होकर के सोडियम की जगह पे बैरियम आ गया। यहां पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया, दिस वुड बी 3, क्योंकि 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज यहां पे रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसका एन फैक्टर 3 हो गया। अब देखेंगे ऐसे साल्ट जिसमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो जो प्रोडक्ट है वो किसी एक ही प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट के किसी एक कंपाउंड से निकल के जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके किसी एक कंपाउंड में ही वो एलिमेंट जा रहा है, ऐसी सिचुएशन खाली देखें। अभी इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, बड़ा जनरल इसमें आप बोल लिखते हैं, जैसे अगर ए बी बी इसके हैं, इसको अगर हम जनरल जनरल लिख रहे हैं, इसमें ए सी हो गया और ये कोई डी दूसरा एलिमेंट आ गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर ए का प्लस एक्स है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाई प्लस वाई है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये कंपाउंड है, इसके एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है प्लस एक्स से प्लस वाई हो रहा है, ठीक है, और वो एलिमेंट इसी प्रोडक्ट में जा रहा है। इस रिएक्शन का अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे है तो उसमें जो ए जो एलिमेंट है नहीं जा रहा है। ऐसे केसेस में एन फैक्टर क्या होगा, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक एटम का प्लस वाई, यहां पे सी एटम है, ये हो गया सी वाई, एंड ये यहां पे कितना है एक्स ए, तो माइनस ए एक्स ये कर दिया और इसका मॉड ले लिया। चाहे ए एक्स माइनस सी वाई करो या सी वाई माइनस ए एक्स करो, तो वो जो नंबर आएगा वो एन फैक्टर होगा। आपको बताना चाहिए एन फैक्टर कैन नॉट बी जीरो आर निगेटिव, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे इसको इसका केवल मॉड लेके केवल निगेटिव या पॉजिटिव साइन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ उससे एन फैक्टर आ जाता है इस टाइप के इक्वेशन में, जहाँ पे एक ही एलिमेंट दूसरी प्रोडक्ट में गया हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे के एम एन ओ फोर ये है और ये सपोज कीजिए किसी इक्वेशन में एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ प्लस टू है, कुछ इस टाइप की इक्वेशन में बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अब इसको निकालिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ एम एन का फाइव है, प्लस फाइव है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है इसमें, इसका एन फैक्टर सिंपल निकल आएगा फाइव माइनस टू दैट इज इक्वल टू थ्री। अब यही इक्वेशन अगर इस टाइप की हो जाए के एम एन ओ फोर से कुछ जो जो भी कंपाउंड बना उसमें इसका प्लस सिक्स हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा, यहां पे तो प्लस फाइव था, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू वन। तो बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है टोटल, उससे आ जाता है कि कितना एन फैक्टर है। अब अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की हो, ए इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक्स सपोज कीजिए है, ये दूसरा एलिमेंट इसमें बी वाई है, इसमें ए क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट में चला गया, अभी हम क्या देख रहे थे, एक प्रोडक्ट ऐसा बना, दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, कोई कोई और एलिमेंट के साथ जुड़ गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस वाई हो गया और यहाँ पे भी प्लस वाई है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में सेम है, एक ही एलिमेंट दो प्रोडक्ट में गया बट ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का यहाँ पे जो सेम है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना होगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ वो ही इस कंपाउंड का टोटल का एन फैक्टर होगा। तो इसमें एन फैक्टर क्या निकालेंगे, तो इसमें भी यहां पे टोटल कितना था, एक एटम पे
प्लस एक्स है, ए यहाँ पे ए उसके एटम है यहाँ पे, ये हो गया टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ए एक्स। यहाँ पे टोटल ए ही एटम इधर गए होंगे, टोटल ए ही एटम यहाँ पे जाएंगे ना, अल्टीमेटली सी और वाई मिला के जो ए सी और ए वाई लिखा हुआ है तो सी वाई मिला के ए ही बनेंगे, जितने यहाँ पे एटम थे उतने ही वहां पे प्रोडक्ट में भी गए होंगे, तो नंबर ऑफ एटम तो इतने रहेंगे बट ऑक्सीडेशन नंबर उनका अलग हो गया, तो इस केस में भी इक्वेशन इस टाइप की बनेगी जो पहले थी, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वाली थी एक प्रोडक्ट दो में चला गया और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा, जैसे Cr2O7 माइनस, ये अगर इस टाइप से चला गया एक प्रोडक्ट के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस है और फिर दूसरे के साथ भी 3 प्लस है। अभी क्रोमियम के साथ कोई डी, जैसे यहाँ पे डी लिखा है तो कोई ना कोई एलिमेंट उनके कंपाउंड बनेगा, यहाँ कुछ और कंपाउंड बना होगा, हम खाली क्रोमियम को ही समझने के लिए लिख रहे हैं। तो इसमें टोटल चेंज, इसमें एन फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा टोटल चेंज, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पहले आप ये देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम के यहाँ पे प्लस 6 है, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 6 × 2, ये माइनस 3 हुआ, ये माइनस 3 हुआ, एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, तो टोटल इसको चाहो तो 3 × 2 लिख सकते थे जो हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे अगर आओगे तो इफेक्टिवली चेंज कितना हुआ 6, इसका क्या हो गया एन फैक्टर 6, 6 × 2 and 3 × 2 आइटम, तो 6 इसका एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर हो गया। ये वो अब हम अगली सिचुएशन वो देखेंगे जहां पे एक ही इस तरह की उसमें जो एलिमेंट, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक एलिमेंट दो प्रोडक्ट में जाएगा पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, उस केस में क्या करेंगे। ये केस उस टाइप का हो गया जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स से वाई में गया था, यहाँ पे भी वाई गया था, ये यहाँ पे सब कुछ जेड में चला गया। अब कैसे निकालें, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ से कितने कितने ये बने और कितने ये बने, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगा सकते, कितने ये जितने ये इतने एटम है इसमें से कितने यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक इसमें हम एन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे केसेस में फिर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन को बैलेंस करके फिर हम निकाल सकते हैं कि भाई इसमें से इसके दो मालिक्यूल थे उसका एक मालिक्यूल यहाँ बना या इसका एक मालिक्यूल बना, तो जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक उसमें नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी इन द केसेस वेयर वन एलिमेंट गोज टू टू प्रोडक्ट विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है 2Mn, इस टाइप की इक्वेशन हो जहां पे तो इसमें खाली ने पॉजिटिव चार्ज वाला ही पार्ट लिखा है, इसके साथ कुछ और भी निगेटिव चार्ज वाला भी ऐड हुआ होगा, कुछ हम नहीं लिख रहे हैं, केवल एक मेन एलिमेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे 7 था ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक में 4 में गया, एक में 2 में गया, अब अगर ये बैलेंस ना हो तो इसका ये पता लगाना मुश्किल है कि अगर ये 2 हटा देते तो किस रेशियो में ये बन रहे हैं, अब अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो ये बैलेंस हो गई, तो हम अब इसमें कह सकते हैं शायद एक एटम इसका यहां पे गया है और दूसरा एटम से ये हुआ है, तो इसमें टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना पड़ता है। तो टोटल चेंज, टोटल पहले हम चेंज निकाले, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ होगा, यहां पे कितना था 7 × 2 था, 2 × 7 था, ये था इसमें से यहां पे क्या हो गया -4 हो गया और यहां पे -2 हो गया, यहाँ पे ये था यहाँ पे 4 + 6 लिख लीजिए, ऐसा भी कर सकते हो, ये 4 + 2 हो गया, ये 4 + 2 भी लिख सकते हो, यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 × 2, यहाँ कितना है 4 + 2 ये, और इसका अगर हम टोटल मार्ड निकालें तो कितना आएगा, दिस विल बी 14 − 6 दैट इज इक्वल टू 8 आया, बट ये दो मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है,
ये इसके दो मॉलिक्यूल में एट चेंज हो रहा है, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर बेसिकली 8/2 हो जाएगा, दैट विल बी 4। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक मॉलिक्यूल में जो भी कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल का पर मॉलिक्यूल ही जो चेंज होता है वो निकालते हैं, उसको एन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल में हमने इतना टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पाया तो उसको फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इस टाइप की इक्वेशन हो 3 Mn + 7 2 Mn + 2 हो गया और 1 Mn + 4 हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 3 इधर एटम है, उसमें से 2 + 2 ऑक्सीडेशन में गए, 1 उसमें गए, तो इसमें भी सेम हुई। टोटल आप चेंज निकाल लीजिए, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे कितना है टोटल 7 × 3 माइनस इधर कितना है 2 × 2 माइनस यहाँ पे 2 है जैसे 2 × 2 तो यहाँ पे एमन का एक ही है, -4 से ऊपर हो जाएगा तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा 21 - 8 ये हो गया 13 हो गया, पर 13 तीन मॉलिक्यूल का है तो पर मॉलिक्यूल एन फैक्टर तो पर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो 13/3 हो जाएगा। अभी तक हम साल्ट के बारे में देख रहे थे जिसमें साल्ट किसी एक साल्ट जो कंपाउंड ले रहे थे उसमें उसका एक जो एलिमेंट है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी। अब अगर उस साल्ट के सपोज कीजिए दो एलिमेंट है जो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो तो क्या करेंगे, वो वाली सिचुएशन क्या होगी। अगर कोई साल्ट इस टाइप का है ए ए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक वो है, ये दूसरा एलिमेंट इसमें है और ये जो बना तो ये एसी, ये प्लस वाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यहाँ पे एक्स थी यहाँ पे वाई हो गई, तो यहाँ पे प्लस एक्स थी यहाँ पे वाई हो गई एंड ये किसी डी एलिमेंट के साथ ऐड हुआ और दूसरा है ये बड़ा मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, कोई ई एलिमेंट है इसकी कुछ भी ऑक्सीडेशन ई एलिमेंट है और ये हमने कर लिया बी की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जेड हो गई। ये सिचुएशन यहाँ पे हुई कि इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और ये जो बी है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अभी तक हम खाली जो साल्ट था उसका एक एलिमेंट होता था जो या तो कि ए और बी दो टाइप के एटम है तो एक एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी, अब यहाँ पे दोनों एटम की चेंज हो रही है। तो इसमें हम वो सिचुएशन करेंगे कि बोथ द एटम आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, तो या तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का ही बढ़ रहा है या दोनों का घट रहा है, वही सिचुएशन लेंगे आइदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। हम ये नहीं करेंगे कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो एक का रिडक्शन हो रहा हो, वाला पॉइंट नहीं ले रहे, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है या दोनों का रिडक्शन हो रहा है, वो वाली सिचुएशन देखें। ऐसे केसेस में टोटल चेंज हम ये देखेंगे इसमें इसका और इसका दोनों का टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या तो दोनों का ही इंक्रीज हो रहा होगा या दोनों का डिक्रीज होगा, उसको दोनों को ऐड करेंगे वो इसका हो जाएगा एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर क्या होगा, पहले इसका इंक्रीज कितना हुआ देख लो, ये हमने निकाल लिया ये हो गया सब ए एक्स ए इंटू एक्स ए एटम है एक्स उसमें ऑक्सीडेशन है यहाँ पे एक यही इतने ही ए एटम यहाँ पे गए होंगे, हम टोटल इन्हीं का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हम निकालेंगे कितना एक एटम का चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये ए वाई हो जाएगा, ये चेंज हुआ टोटल, इसके ए एटम का कितना चेंज हुआ हम वही देख रहे हैं, यहां से इतने गया। फिर यहां पे इसका ऑक्सीडेशन टोटल स्टेट क्या होगी, जितनी क्योंकि ये एक ही कंपाउंड था तो जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होगा उसका उसका निगेटिव इसका होगा, क्योंकि टोटल किसी भी साल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सम जीरो होता है, तो अगर इसका ए एक्स है तो इसका माइनस एक्स होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे माइनस ए एक्स है एंड
ये जितने अभी हम यहां पे बी एटम का देखेंगे, बी एटम जो है ये जेड प्लस हो गया, तो ये बी एटम जेड प्लस हो गया। ये मैथमेटिकल फार्मूला लिखने में थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी हम कुछ जब आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम चार देखना कर रहे हैं इसका कितना इंक्रीज हुआ और इन एटम्स का कितना इंक्रीज हुआ, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस टोटल का एन फैक्टर आ जाएगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फाइड, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, ठीक है। ये अगर कुछ इस तरह से बनता है कॉपर टू प्लस एंड अब देखिए यहां पे कॉपर का प्लस वन से प्लस टू हुआ है, यहां प्लस वन है, यहां प्लस टू, सल्फर का यहां माइनस टू था, यहां प्लस फोर हुआ है। तो टोटल इसका टोटल अगर चेंज निकाला जाए तो कैसे होगा, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा। पहले कॉपर में कितना चेंज हुआ देखिए, यहां पे कॉपर में कितने हैं वन मल्टीप्लाइड बाई टू, यहां पे कॉपर में इतने हैं, इतने ही एटम का हम ईंधन निकालेंगे। एक एटम का टू प्लस है तो टू एटम का कितना हो जाएगा टू इंटू टू, ये तो कॉपर के दो एटम का चेंज होगा। सल्फर का एक एटम का कितना चेंज होगा, यहां पे माइनस टू है, माइनस टू है, या जैसे उस फार्मूले पे जाओगे तो ए वाई मैंने कर दिया, तो ये ए एक्स ही लिख दिया था, इसी का माइनस एक्स कर दिया तो वन इंटू टू उसका माइनस करके, या तो माइनस टू डायरेक्टली लिख दो माइनस टू हो गया। यहां पर सल्फर का माइनस टू है, यहां पर सल्फर का प्लस फोर हो गया। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये आया टू और ये आया सिक्स, और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हुई एट चेंज हुई, कॉपर और सल्फर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी चेंज हुई उतना हमने उसमें ऐड कर दिया। तो ये इस तरह की सिचुएशन आ गई जहां पे दोनों प्रोडक्ट आइदर ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस्ड, ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरा रिड्यूस हो रहा हो, उस केस में क्या करेंगे कि हम या तो ऑक्सीडाइज का ही एलिमेंट का हम देखें कितना ऑक्सीडाइज हुआ है वो उसका अनफैक्टर हो जाएगा, या जो रिड्यूस हो रहा है उसका देख लें कितना रिड्यूस हो रहा है तो उससे अनफैक्टर आ जाएगा, उसमें हम दोनों का कंसिडर नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखा जाए ये के सी एल ओ थ्री, ये अगर हो रहा है के सी एल प्लस ओ टू, और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन जीरो हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वन इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है, इसका माइनस टू है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है। तो यहाँ पे देखिए एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक फाइव से माइनस वन जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, एंड ऑक्सीजन का माइनस टू से जीरो जा रहा है तो बढ़ रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में किसी भी एक का हम कंसिडर करेंगे, चाहे इसका देख लें चाहे इसका देख लें, तो खाली पहले क्लोरीन से निकाल के देखते हैं तो इन फैक्टर क्या आ जाएगा, क्लोरीन का यहाँ प्लस फाइव है, यहाँ माइनस वन हो गया, माइनस वन माइनस वन, इसका बाढ़ निकालोगे तो टोटल हो गया सिक्स। तो सिक्स क्लोरीन से क्लोरीन का बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर टोटल सिक्स चेंज हुआ। अगर ऑक्सीजन से निकालोगे इन फैक्टर तो कैसे निकलेगा, यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये तो माइनस माइनस टू इंटू थ्री, और यहाँ कितना है जीरो है, दैट इज आल्सो इक्वल टू सी सिक्स आ गया, दैट इज आल्सो इक्वल टू सिक्स। तो जहाँ पे एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो एक रिड्यूस हो रहा हो तो किसी भी एक एलिमेंट को कंसिडर करके कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो आप निकाल लीजिए तो एन फैक्टर आ जाता है इस टाइप से। अब जो हम देखेंगे थोड़ा एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन में का एन फैक्टर निकालना जानेंगे, ये होती है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। पहले डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होती क्या है, इसमें क्या होता है किसी कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट, कोई भी एक कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट है वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है वही रिड्यूस भी हो रहा है, ऐसी इक्वेशन को डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा लोगों को काफी ट्रिकी लगता है इसमें एन फैक्टर निकालना, और बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आसानी से हो जाता है, ऐसा कोई टफ नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में भी। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये इक्वेशन है, अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन नंबर जीरो है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे प्लस टू माइनस वन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन से माइनस टू चेंज हो रहा है, माइनस वन से जीरो भी हो रहा है, तो मीन्स इसका घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट तो होगा ये, एक पार्ट ये होगा। तो इसमें इसका अगर एन फैक्टर निकालेंगे, इसका एन फैक्टर क्या निकलेगा, यहाँ पे ये माइनस वन था, यहाँ ये माइनस टू था, तो टोटल चेंज कितना हुआ, और इसी को हम बैलेंस भी कर लेंगे, तो बैलेंस हो गई, ओ वाले पार्ट में बैलेंस कर लिया खाली हमने। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया यहाँ माइनस टू था, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस टू इंटू टू, तो ये हो गया ये हो गया दो, इसका एन फैक्टर दो हो गया। दूसरी इक्वेशन हम ये लिख लेंगे दोबारा, फिर एच टू ओ टू, इससे खाली ओ टू वाला पार्ट लिखेंगे, इसका एन फैक्टर निकालेंगे, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टू, इसका भी एन फैक्टर टू हो गया। अब इसमें करते क्या है, पूरी इक्वेशन का एन फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एन फैक्टर, अगर आपने इसको आपने एन वन लिख दिया और इसको आपने एन टू लिख दिया, दूसरी इक्वेशन का एन टू हो गया, तो एन वन इंटू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, ये आप याद रखिए फार्मूला, दो इक्वेशन का एन जो निकाला उसको अलग अलग इसमें पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा दोनों का दो दो है, तो टू इंटू टू डिवाइडेड बाई टू प्लस टू, दैट इज इक्वल टू वन। तो इस इक्वेशन का एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन जहां पे है उसका एन फैक्टर आ गया इस इक्वेशन का वन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिक्स बी आर टू प्लस 12 OH माइनस, ये हुआ 10 Br माइनस प्लस 2 Br O3 माइनस प्लस 6 H2। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे माइनस 1 हो गया, यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 हो गया। Br की का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 बढ़ रहा है, 0 से माइनस हो रहा है, घट हो रहा है, घट रहा है, तो ब्रोमियम का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये हो गई। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, दोनों का पहले इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं Br2 से 2Br बैलेंस, कितने पार्ट के लिए बैलेंस करते हैं माइनस, इसमें इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, N1 क्या हो जाएगा, N1 और भी यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है, दो एटम है और माइनस वन है, तो 2 इंटू माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2 हो गया इसका N1। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे Br2 से क्या बना, 2 BrO3 माइनस, ये बना, इसमें प्लस 5 है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे तो 0 था, इसमें हो गया प्लस 5 इंटू टू, 5 इंटू टू ये हो गया 10, N1 आपका 2 आ गया, N2 10 आ गया, तो टोटल n फैक्टर फाइनल कितना निकाला आपने, N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 ये हो गया 20 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो इसका एन फैक्टर आ गया 5 बाई 3, देखिए कितना निकालना आसान हो गया। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर इस तरह से निकाला जाता है कि दोनों का अलग अलग निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो N1 N2
डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। तो ऑलमोस्ट हमने हर तरह की सिचुएशन को आज स्टडी कर लिया जिसमें एन फैक्टर निकाल सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।